वेलकम टू लेट्स लर्न स्टूडेंट्स, आज हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल्स आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने में, उसके स्ट्रक्चर को बनाने में सेल्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, और किसी भी सेल में या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइफ है उसकी बेसिक यूनिट सेल होती है। जैसे किसी भी एक इमारत को खड़े करने में छोटे छोटे ईंट, बहुत सारे ईंट मिलके एक इमारत बनाती है, वैसे ही ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन सेल्स मिलके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। किसी भी सेल के तीन मेन पार्ट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, साइटोप्लाज्मा और डीएनए। सेल मेम्ब्रेन वो होता है जो किसी भी सेल की सीमा को निर्धारित करता है, एरिया को डिसाइड करता है और एक सेल को दूसरे सेल से अलग करता है। साइटोप्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जेली फ्लूइड है जहाँ पे सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं। और तीसरा डीएनए, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को ले जाने का काम करता है। टू टाइप्स के सेल होते हैं, एक होता है यूकैरियोटिक सेल जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं जैसे प्लांट्स और एनिमल्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं जैसे कि बैक्टीरिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं। इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और न्यूक्लियस न्यूक्लियर एनवलप से घिरा होता है। और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल वेल डिफाइंड होते हैं, हर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल का अपना अलग फंक्शन होता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी बॉडी होती है, वैक्यूल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम्स होते हैं। सेकेंड होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स जिसमें कि न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं और जेनेटिक मटेरियल पूरे सेल में फैले होते हैं और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होते हैं। ये पाए जाते हैं बैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में। हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं। हम यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस जिसे गोल्गी बॉडी भी कहते हैं, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक फ्लूइड है जो कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का एरिया है। ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहाँ पे डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं, फ्लोट करते हैं और अपना फंक्शन करते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स होते हैं, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया ईटीसी। दूसरा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसी भी सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल और रेगुलेट करता है, जो कि सेल की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, और ये कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन के रूप में जाती है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, सेल के डिमांड के हिसाब से प्रोटीन की फोल्डिंग और मॉडिफिकेशन की जाती है। चौथा कंपोनेंट है गोल्गी एपरेटस जो कि एंडोप्लाज्मिक से जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसे रैप करने का, पैकेजिंग करने का काम करती है और उसे कैरी करती है और ट्रांसपोर्ट करती है। ये वहाँ वहाँ ट्रांसपोर्ट करती है जहाँ जहाँ जिस प्रोटीन की डिमांड होती है। पांचवा कंपोनेंट है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स में
डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो इंटरसेलुलर डाइजेशन का काम करते हैं। साथ में ये डेड सेल्स को रिमूव करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से इसे सेल का सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। सिक्स्थ कंपोनेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें रेस्पिरेशन के दौरान ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के द्वारा एटीपी का सिंथेसिस किया जाता है, जो कि किसी भी सेल के लिए एनर्जी करेंसी के रूप में काम करती है, मतलब सेल को एनर्जी देने का काम करती है। ये सिर्फ सेल को एनर्जी देने का काम नहीं करती है, बल्कि ये सेल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का भी काम करती है। सातवां कंपोनेंट है साइटोस्केलेटन। ये नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स है और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे एक ह्यूमन बीइंग में स्केलेटन उसके शरीर को ढांचे को बनाती है, उसे एक शेप देती है, उसी प्रकार साइटोस्केलेटन सेल्स को शेप देने का काम करती है। साथ में ये इंटरसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करती है और सेल के मूवमेंट में भी हेल्प करती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन के लिए, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।